खरसाना अनूपगढ़ तहसील के 11 एलए में सिंचाई पानी की बारी से पहले मौका संभालने गए जीजा और साले पर कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी। इस दौरान दोनों के पैर में गोली लगी, जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खरसाना लेकर जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को बीकानेर रेफर कर दिया गया है। घटना रात को करीब 9 बजे की बताई जा रही है। पुलिस ने मौका मुआयना और पर्चा बयान लेकर एक व्यक्ति को नामजद करते हुए धारा 307 में मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार कृष्ण सियोराण 30 वर्ष पुत्र मंशाराम निवासी 10 LM अपने साले बनवारी लाल 46 पुत्र रामचंद अचरा निवासी 15 LM के साथ खेत में पानी लगाने गया था। इनकी पानी की बारी लगभग 11 बजे शुरू होने की बारी से पहले यह मोगे को संभालने के लिए गए थे कि मोगे के पास बोलेरो सवार कुछ लोगों ने आकर उनसे विवाद कर लिया और गोली मारने की बात कही। विवाद में बात इतनी बढ़ गई, बोलेरो सवार लोगों ने दोनों पर फायरिंग कर दी। गोली की आवाज़ सुनकर आसपास के ग्रामीणों को आता देखकर सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों ने परिजनों को सूचना देकर घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाए। सूचना पर पुलिस आकर घायलों के पर्चे बयान लिए। दोनों की प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर कर दिया गया है। पुलिस उपाधीक्षक जयदेव सिहाग ने बताया कि घायलों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले में एक व्यक्ति नामजद है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीमों को गठन कर विभिन्न स्थानों पर दबिश दी जा रही है। उक्त घटना में घायल कृष्णलाल ग्राम सेवा सहकारी समिति 9 LM के अध्यक्ष मदनलाल सियोराण का भाई है। उन्होंने बताया कि भागते हुए एक व्यक्ति का मोबाइल घटनास्थल पर गिर गया था। खबर भारत वर्ष के लिए खरसाना अनूपगढ़ राजस्थान से सुखदेव सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।